हमारे यहाँ के एक्सपीरियंस ड्राइवर भाई छोटू भैया, एक्सपीरियंस ड्राइवर है हमारे यहाँ के, जेसीबी से लेके हर चीज़ चला लेते हैं। अब देखते हैं शटल शिफ्ट में भाई, ये ट्रैक्टर है 12+12 का है, इसमें ट्रांसमिशन 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स शटल गियर में है। और ये ट्रैक्टर भाई पूरा बैठ चुका है, आखिरी तक बैठ गया, बिल्कुल जितना मतलब फ्रंट एक्सल से लेकर रियर एक्सल तक पूरा ट्रैक्टर बैठ गया। अब देखते हैं क्या होता है, ट्रैक्टर ताकत तो लगा रहा है, अब देखते हैं। ये ट्रैक्टर भी भाई भी लगभग फंसने वाला था, बिल्कुल बहुत माइनर सी, थोड़ा सा भी अगर पीछे कर लेते ये तो ट्रैक्टर ये भी रख जाता है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। देखो अब क्या करते हैं, क्या होता है। छोटू भैया उस तरफ है भाई, न्यू हॉलैंड 3230 और ये है सोनालिका DI 55 58 HP कैटेगरी के साथ 55 HP का ट्रैक्टर, 12+12 फॉरवर्ड रिवर्स, स्पेसिफिकेशंस तो कई बार बता दी। अब देखते हैं भाई टोचन का क्या। निकल गया भाई ट्रैक्टर, निकल गया निकल गया निकल गया, रह गया, फिर से रह गया। अब थोड़ा सा एक बार और ट्राई करना पड़ेगा। ये देखिए आप, पूरा ना जो फ्रंट एक्सल है वो पूरा देखिए कहाँ से यहाँ रखा हुआ था, फ्रंट एक्सल यहाँ से घिसटता हुआ गया है बिल्कुल ऊपर तक, ये देखो आप। और अभी ये फ्रंट एक्सल ज़मीन में रखा ही हुआ है, वो तो ट्रैक्टर में इतनी पावर है कि वो पूरे मतलब पूरे
55.02 के पास आ गए हम, और वो आ रहा भाई रेंगते रेंगते सोनालिका DI-55। अब देखते भाई नाली इतनी खतरनाक कटी है ना, देखते मजा आएगा आपको टूजन देखने में, पूरा मजा आने वाला भाई, देख लेना आप लोग, इतना मजा आएगा ना। एक बार वहां फंस गया है, अब दोबारा यहाँ फंसेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ वीडियो के अंदर। अगर वो ट्रैक्टर ना फंसा तो भाई जो आप बोलोगे वो कर दूंगा मैं, है ना। क्या है उस ट्रैक्टर की प्रॉब्लम, ये है कि उसके अगले जो टायर्स है ना वो 750/16 के हैं, और उसमें एक्चुअल में चाहिए थे ट्रैक्टर के टायर ये 650/20 के, जो कोवटा 5502, 5501, जॉन डियर के 5310, 5405, इन सब मॉडलों में मिल जाएगा, और शायद 5620, 5630 न्यू हॉलैंड के कई ट्रैक्टरों में आता है। अब वो वहीं पर रह गया भाई बीच खेत में, उसको उखाड़ने के लिए कौन आ रहा है अभी, ये देखते हैं हम उनको, भाई साहब को निकालने के लिए कौन आएगा। वो रह गया भाई ट्रैक्टर, अब वो, अब भाई आप लोग यहाँ गलत हो गए भाई, मैं सही हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला वीडियो में, आप लोग देखना अब क्या होता है भाई। वो जहाँ खड़ा है वहीं घूम रहा है, बस उसको निकालना भाई। अब सोनालिका को भाई थोड़ा प्यार दिखाना, आप लोग सब लोग कितने अच्छे अच्छे शब्द बोल सकते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना। खैर वो भी हमारे रिश्तेदार का ट्रैक्टर है भाई, ऐसी बात नहीं है, मतलब किसी को अपन हेट या कुछ गलत नहीं कहना चाहते, बस कंपनियों को बताना चाहते हैं आपकी ट्रैक्टर में कितनी पावर है और कितनी नहीं है। अब देखते हैं अगर होगा तो जॉन डियर से निकाल लेंगे, वो जॉन डियर खड़ा है हमारा, हो सकता है वहां से उससे अपन खींच लेंगे थोड़ा इधर उधर, आ जाएगा ट्रैक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है भाई, वो ट्रैक्टर फंसा क्यों, मैं रीज़न बता दे रहा आपको। वो ट्रैक्टर में वो ना अपने, आपने पहले देखा होगा हम पैडी चला रहे थे, इसकी जस्ट पहले वाला वीडियो देखोगे ना आप, हम चला रहे थे पैडी, उसमें आ गई है भाई ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई, और खेत में नहीं है पानी, तो वो गारा बन गया है, मिट्टी का जो है ना वो गारा बन गया पूरा, उस वजह से मिट्टी जो है ना टायरों में छोड़ती नहीं है, चिकना कर देती है। आपने कई वीडियो में बताया मैंने आपको कि मिट्टी हमारे यहाँ कितनी खतरनाक है, एक बार टायर को पकड़ ले जब तक आप टायर ट्रैक्टर को धुलोगे नहीं ना तब तक मिट्टी छोड़ने वाली नहीं है यहाँ की। अब वो खड़ा है हमारी, ये खातू वगैरह डल रही थी यहाँ पे, खाद वगैरह डल रही थी, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया भाई, इसकी लगौत तो खा ली है इसने, और ग्रीनरी पूरे खेत में दिखने लगी है, कल शाम को अच्छा पानी गिर गया और काफ़ी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस इस धान की। ये है हमारी बासमती की 1692 वैरायटी है ये, और लगभग इसको लगे हुए आज 6 से 7 दिन हो चुके हैं, लगभग हफ्ता हो गया है, और इतने में इतना अच्छा मतलब आप देख सकते हो। तो अब देखते हैं भाई, अब वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा, वहां पर कुछ जुगाड़बाजी लग रही है। ट्रैक्टर तो निकलने से रहा, रोटरी खोल दी है, अब देखते हैं ये निकल रहा नहीं निकल रहा, और मुझे लगता नहीं कि शाम तक निकल पाएगा आज, क्योंकि ट्रैक्टर की पूरी जहाँ चेचर जो है ना पूरी बैठ गई है। अब देखते हैं क्या होता है, और वो जो सोनाली का जिसको उखाड़ने के लिए आया था वो खुद फंसा हुआ है वहाँ पे, वो खेत में ही फंस गया, अब देखते हैं क्या होता है भाई। खातू वगैरह कंप्लीट हो गई डल के, अब भाई बैठे हैं, अब देखते हैं भाई, अभी तो अब नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगा आप लोगों को क्या कैसा हो रहा है। आ गया भाई हमारे यहाँ का टूचन किंग,
वहाँ जो सोनाली का फंसा था, जॉन डियर फंसा था, वो सब निकाल दिए। एक क्लिप ऐड करूँगा, टोचन है वो जॉन डियर को इसने निकाला था। अब देखते हैं इसको क्या कैसा होता है। जी देखो आप, पूरे फिक्स हो गए भाई। ये हमारे मामा जी हैं भाई, इनके पास स्वराज 735 है। हाँ, और ये हमारे पास के गांव के भैया हैं जो किराया भाड़ा का काम करते हैं। 55 02 50 HP वाला लिया इनने। अब देखते हैं क्या होता है। उतर गाओ। भैया ये टायर जो है ना चौड़ा है ट्रैक्टर। अब देखते हैं क्या होता है। कैसे भैया? नहीं नहीं, वो जैसी हमने बोली वैसी बता। किसान भाई मोटरसाइकिल पर फंस गई आज। मोटरसाइकिल भाई कोटा वाले बताओ क्या है आपकी गाड़ी का। हाँ भाई तुम्हारे पास रहो जब से तो तुम भैया भैया के पास 735 है। ये उनको शेर बोलते। मम्मा की हालत टाइट है। अम्मा उल्टे पैसा भाई थे इनसे पूछो ना क्या खुलवा के हमने ठीक करवा ली। ऑलराउंडर हमने 855 की डरवा दी। कहे ऑलराउंडर निकाल ली तो है बलवान। तो भाई अब देखो प्रीतम अंजाज थोड़ी ट्रक लगाई है। हाँ ठीक है भाई, ये ट्रैक्टर 8 4